कल कहां तक हुआ था बाबू? नेचुरल सेलेक्शन ना, ठीक है। नेचुरल सेलेक्शन पूरा नहीं पढ़े थे, उसके आगे पढ़ना था ना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो वो लिख लिए थे कि पॉपुलेशन जो होता है तुम्हारा, हाँ पॉपुलेशन जो होता है तुम्हारा, इसका कैसा ग्रोथ होता है? ज्योमेट्रिक ग्रोथ ना। कैसा? मतलब ये तुम्हारा बढ़ता है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन तुम्हारा जो रिसोर्सेस है, रिसोर्स यानी कि बात करें हम लोग फूड का बाबू, तो ये होता है तुम्हारा अर्थमेटिक ग्रोथ। कैसा? अर्थमेट्रिक ग्रोथ का मतलब होता है कि फूड जो तुम्हारा है वो कैसा है? लिमिटेड है ना, लिमिटेड है। ये तुम्हारा जो बढ़ता है 1 से 2, 2 से 3, 4 एंड सो ऑन, इससे क्या होता है बाबू? तो तुम्हारा स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं कि कंपटीशन होता है। क्या होता है? बिटवीन सेम और डिफरेंट स्पीसीज ना, नहीं ना था। अब इसमें से हम लोग दो वर्ड सीखे थे, एक था तुम्हारा इंट्रा स्पीसीज और एक, चलो इसको लिख लेते हैं। इंट्रा स्पीसीज का मतलब था बाबू कि कंपटीशन, हाँ, बिटवीन सेम या डिफरेंट, बिटवीन सेम स्पीसीज ना। यानी कि यहां फूड क्या होगा? कॉमन होगा, दूसरा जो था तुम्हारा इंटर स्पीसीज, ये हम लोग बोल रहे थे बाबू। हाँ, कंपटीशन बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज ना, यहाँ फूड जो होगा ना वो डिफरेंट होगा, फोर डिफरेंट स्पीसीज ना, लिख लेना। फूड यहां क्या होगा? कॉमन होगा, फोर डिफरेंट स्पीसीज, है ना। अरे नहीं, डिफरेंट स्पीसीज के लिए डिफरेंट होगा लेकिन कॉमन स्पीसीज के लिए सेम होगा ना, मतलब दो एक सेम स्पीसीज के लिए। तो जैसे अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग है, इसीलिए तो दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में लड़ाई नहीं हो रहा है। किसके बीच में हो रहा है? सेम स्पीसीज के बीच में लड़ाई हो रहा है, क्योंकि कुत्ता का खाना अलग है हमारा अलग। जैसे सांप वाला बताए थे ना कि सांप का खाना अलग है और हमारा, तो दो डिफरेंट स्पीसीज का डिफरेंट फूड है ना, उसका अलग फूड है और मेरा अलग फूड है, इसीलिए हम लोग के किसके बीच में हो रहा है? सेम स्पीसीज के बीच में हो रहा है ना। लेकिन अगर हमारा क्या हो कि फूड कॉमन हो जाए दो स्पीसीज अलग अलग स्पीसीज के लिए, जैसे कुत्ता और हम दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, वो भी क्या खाता है? रोटी खाता है और हम भी रोटी खाते हैं ना, तो दो डिफरेंट स्पीसीज के लिए क्या हो? कॉमन फूड हो गया ना, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? तुम्हारा इंटर स्पीसीज, है ना।
इंट्रा का मतलब सेम होता है, इंटर का मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। चलो हो गया, देखो यहां तक तो समझ आ गया होगा सबको, क्योंकि कल ही बता दिए थे ना पूरा क्या चीज। आगे हम लोग बढ़ते हैं आज इससे। तो बाबू क्या हुआ कि जब कंपटीशन हुआ दो लोगों के बीच में, क्योंकि तुम्हारा रिसोर्स क्या था, लिमिटेड था, खाना बहुत कम था, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा था, तो अब थोड़ा सा खाना के लिए बहुत सारा लोग लड़ने लगा, ठीक है। उसमें से क्या हुआ कि जो तुम्हारा स्ट्रगल करके जो जीत जाएगा वो खाना खाएगा, जो लड़ करके पॉपुलेशन से जीत जाएगा उसका क्या हुआ, खाना खाएगा। और उसमें क्या आएगा तुम्हारा, अगर जो ज्यादा दिन तक जिंदा रहेगा वेरिएशन उसी में आएगा ना, वेरिएशन का मतलब समझ रहे हो। जैसे जैसे हमारा टाइम गुजर रहा है ना, वैसे वैसे हम लोग का क्या हो रहा है, वेरिएशन आ रहा है, देख रहा है। पहले के लोगों का मेंटिलिटी कुछ और था, लेकिन अब कुछ और आ रहा है ना, धीरे धीरे हम लोग का मेंटिलिटी पावर भी बढ़ रहा है सबका। तो यानी कि जो जितना दिन तक जिंदा रहेगा उसमें वेरिएशन आना शुरू हो जाएगा, और जो मर जाएगा उसमें वेरिएशन किस बात का, वेरिएशन तो उसमें आया ही नहीं कभी, ठीक है। तो जब क्या हुआ तुम्हारा सर्वाइवल ऑफ द सॉरी स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस हुआ, इसके बाद आता है तुम्हारा वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन। अगर वेरिएशन तुम्हारे में आ गया, जैसे सपोज करो जिस पॉपुलेशन में वेरिएशन आ जाता है, कहने का मतलब है तुमको रहने खाने और कैसे यहां रहने रहना है तुम्हारा, कैसे तुम यहां सरवाइव कर पाओगे, ये स्किल जिसमें आता है वही यहां टिक पाता है। सपोज करो तुम यहां ट्यूशन पढ़ने आए बाबू, तो तुमको बायोलॉजी समझ आ रहा है इसीलिए तुम यहां टिके हुए हो। सपोज करो तुमको बायोलॉजी एकदम नहीं समझ आता यहां, ठीक है, तुम्हारा पहला दूसरा क्लास का नॉलेज रहता तो यहां टिक पाते, तुम दो से तीन दिन तक करते फिर बोर हो जाते, फिर तो छोड़ देते ट्यूशन, क्योंकि तुमको एक वर्ड समझ नहीं आ रहा है। तो तुम्हारे में वेरिएशन आया, तुमको बायोलॉजी समझ आने लगा ना। अब जब समझ आने लगा तो तुम्हारा वैरियो के तुम क्या किए, यहां पे अडैप्ट हो गए इस एनवायरमेंट में, इस कोचिंग में क्या हो गए, अडैप्ट हो गए। तो वेरिएशन के बाद आता है अडैप्टेशन। अब देखो जो अडैप्ट कर गया यहां पे, सपोज करो जो अडैप्ट कर गया मतलब कि बायोलॉजी जिसको समझ आने लगा अब यहां, वो क्या करेगा, अब नीट का प्रिपरेशन शुरू कर देगा या तो फिर बोर्ड का प्रिपरेशन शुरू कर देगा, क्योंकि अब उसको बायोलॉजी समझ आने लगा और वो पूरी तरह से इस कोचिंग में अडैप्ट हो गया, तो अब अपना फ्यूचर देखेगा। तो अब पॉपुलेशन को अगर फ्यूचर देखना है, हम लोग तो चलो कोचिंग से रिलेट कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं हम लोग को नीट देखना है या बोर्ड देखना है, लेकिन एक पॉपुलेशन को अगर फ्यूचर देखना है तो पॉपुलेशन में फ्यूचर क्या हो सकता है, रिप्रोडक्शन, वंश बढ़ाना और पॉपुलेशन बढ़ाना। उसका एम क्या होता है पॉपुलेशन का, एक फ्यूचर क्या होता है, कहीं ना कहीं सारे ह्यूमन का या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक मेन गोल जो होता है कि हमारा वंश आगे बढ़े। इसीलिए हम लोग इतना स्ट्रगल करते हैं, खाना खाते हैं, लॉन्ग टाइम तक जिंदा रहते हैं, ताकि हम अपने वंश को क्या करें, आगे बढ़ा सके, रिप्रोड्यूस कर सके, ठीक है। किसी को होता है कि नहीं एक अच्छे आदमी के रूप में रिप्रोड्यूस करे, यानी कि एक अच्छा सज्जन बन के हम डॉक्टर बनेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, मेरा एक सोसाइटी में इज्जत होगा, और उससे हमारा किसका, हमारा जो आगे आने वाला प्रोजेनी है उसको भी इज्जत मिलेगा। तो ये एक इज्जत लेने का केवल एक तरीका जरिया है, लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है तुम्हारा, रिप्रोडक्शन करना, अपने वंश को आगे बढ़ाना। तो वही है तुम्हारा, जब अडॉप्ट कर गया कोई पॉपुलेशन में तुम्हारा, तो उसका गोल होता है तुम्हारा क्या, रिप्रोडक्टिव फीट होना है ना, रिप्रोडक्शन के लिए, इसको बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ फीटेस। सर्वाइवल ऑफ फीटेस का मतलब लिख लेना रिप्रोडक्टिव फीट, कैसा, रिप्रोडक्टिव फीट होना चाहिए।
एक पॉपुलेशन को तभी फिट बोल सकते हो तुम जब वो रिप्रोडक्शन कर सकता है अच्छे से और अपने वंश को आगे बढ़ा सकता है, वो प्रोजेनी कर सकता है, ठीक है, ऑफस्प्रिंग कर सकता है, तब वो बोलेंगे कि ये पॉपुलेशन या ये इंडिविजुअल फिट है। किसके अनुसार? इन्वायरमेंट के अनुसार। नेचर केवल यही चाहता है तुमसे कि तुम पॉपुलेशन को बढ़ाओ, ठीक है, तुमको रिप्रोडक्टिव फिट रखना चाहता है ताकि तुम्हारा प्रोजेनी आगे बढ़े, ठीक है। तो पॉपुलेशन वही तुम्हारा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब कौन सा फिट का बात कर रहा है, रिप्रोडक्टिव फिट का बात कर रहा है, ये नहीं कि बॉडी बिल्डर होना चाहिए, वो फिट का नहीं बात कर रहा पॉपुलेशन। हमारा हमेशा से नेचर बात करता है तुम्हारा कैसा फिट, रिप्रोडक्टिव फिट, ये याद रखना। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब ये मत बोलना कि बॉडी बिल्डर होना चाहिए सर, स्ट्रांग होना चाहिए, हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा होना चाहिए, नहीं। केवल केवल नेचर तुमसे एक्सपेक्ट करता है कि तुम कैसा फिट हो, तो रिप्रोडक्टिव फिट हो, यानी कि तुम रिप्रोडक्शन कर सकते हो और एक हेल्दी ऑफस्प्रिंग, ठीक है, को तुम रिप्रोड्यूस कर सकते हो, बस इसी का मतलब होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और अगर तुम फिट हो गए रिप्रोडक्टिवली तो तुमको नेचर क्या करेगा, सेलेक्ट कर लेगा, नहीं अच्छा है, ठीक है, इसको सेलेक्ट करो। जो रिप्रोडक्टिवली फिट नहीं है उसको नेचर सेलेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसके बाद होगा सेलेक्शन बाय नेचर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, नेचुरल सेलेक्शन। अब अगर कोई किसी को नेचर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, अगर उठा लिया कि ये रिप्रोडक्टिव क्या है तुम्हारा, फिट हो गया है ना, तो क्या होगा तुम्हारा एक न्यू स्पीसीज का क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना, तुम एक नए आदमी में इवॉल्व हो जाओगे, है ना तुम्हारा, तो उसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। और इसको हम लोग एक वर्ड में अगर बोलना चाहे तो बोलते हैं स्पीसिएशन, है ना, स्पीसिएशन इसी है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्पीसीज। बस तुम्हारा जो है डार्विन का यही था थ्योरी, बस इतना ही बताया था, और वो दो साइंटिस्ट के सपोर्ट लेकर के बताया था। कौन कौन सा साइंटिस्ट का सपोर्ट लिया था, थॉमस एंड वैलेस, ठीक है, वालासे या वैलेस जो बोलो, तो कल केवल हम उसका कॉन्सेप्ट समझा दिए थे, आज उसका सीक्वेंस लिख लो, कल तुम लोग वर्ड लिखे होंगे ना सर कि तुम्हारा वेरिएशन हुआ, वेरिएशन के बाद स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस आया, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस भाई तुम्हारा क्या हुआ, नेचुरल सिलेक्शन हुआ, ठीक है, कल जो हम स्लाइड में दिखाए थे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब कैसा फिट, रिप्रोडक्टिव फिट ना, तुम रिप्रोडक्टिवली फिट होना चाहिए तुम। अगर कोई डार्विनिज्म पूछता है तो इसको पूरा लिखना है ना, अगर क्वेश्चन में आया थ्योरी ऑफ ए डार्विन को एक्सप्लेन करो तो शुरू से लिखोगे जहां से आज हम स्टार्ट किए ना, वहां से, है ना, कि पहले ज्योमेट्रिक ग्रोथ होता है पॉपुलेशन का, और फूड का कैसा होता है, अर्थमेट्रिक ग्रोथ होता है, ठीक है, वहां से स्टार्ट करोगे। ज्यादातर तुम लोग को बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है दो ही तीन कॉमन है, यही पूछता है होमोलोगस एंड तुम्हारा एनालोगस में डिफरेंस बताओ, ठीक है, और क्या पूछता है तुम लोग को इससे, सारे वो जो ओरिजिन ऑफ लाइफ था ना उसका सारा पूछ लेता है कभी कभी,
कि सारा थ्योरीज का नाम बता दो, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, ठीक है, पैनस्पर्मिया था, ठीक है, ए बायोजेनेसिस था, ये सब जो था ना, हाँ वो जितना था वो पूछ लेता है, कभी कभी क्या पूछ लेता है तुम्हारा, ये सब उतना थ्योरी में घुस के नहीं पूछता तुम्हारा बोर्ड, ये सबसे क्वेश्चन आएगा तुम्हारा नीट उठ में ना, तुम्हारा ऐसे बीच का एक लाइन उठा के दे देगा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज गिवेन बाय, ठीक है, चार साइंटिस्ट का नीचे नाम लिख देगा, एक लाइन इससे उठा देगा, स्मॉल वेरिएशन इन पॉपुलेशन एंड फर्दर एडेप्टेशन ऑफ इंडिविजुअल, ये तुम्हारा लिख देगा, लिख देगा विच, हाँ ठीक है, विच साइंटिस्ट इज गिवेन दैट वर्ड्स या तुम्हारा सेंटेंस, हाँ रिप्रोडक्टिव फिट नहीं हो तो रिप्रोडक्टिव फिट होने के लिए क्या करना होगा, स्ट्रगल करना होगा, उसके पहले देखे ना स्ट्रगल किए ना हम लोग, तभी ना जाके वेरिएशन आया। रिप्रोडक्टिव फिट नहीं है मतलब कि तुम स्ट्रगल नहीं किए, ठीक है, तुम्हारे में वैसा नेचर ही तुम्हारे में वैसा एडेप्टिविटी नहीं दिया, तुम्हारा बॉडी सपोर्ट नहीं किया, तो नेचर पहले ही से तुमको कहीं ना कहीं रिजेक्ट करके रखा है, ठीक है, जैसे जिसमें प्रॉब्लम होता है शुरू से होता है, ठीक है, अगर वो एक्वायर कर पाया तो कर पाया, ठीक है, अपने स्ट्रगल करके, और एक्वायर नहीं कर पाया तो फिर उसको नेचर सेलेक्ट नहीं करेगा ऐसे भी, ठीक है, तुम जो कह रहे हो वो अलग वे में बोल रहे हो, और जो ये डार्विन बताया था वो अलग वे में बताया था, हम लोग रिप्रोडक्टिव अभी फिट नहीं होते तो क्या कराते हैं, इलाज कराते हैं, कराते हैं ना, ठीक है, उससे ठीक हो गए तो तुमको नेचर सेलेक्ट कर लेगा, और अगर तुम दवा से ठीक नहीं हुए तो नहीं करेगा, समझ रहे हो, वो भी एक तरीका, आप समझे, लेकिन वहां वो दवा हुआ करके ठीक नहीं होना था, ठीक है, इसमें इसमें क्या हुआ कि स्ट्रगल किया, स्ट्रगल किया तो उसको खाना मिला, अब खाना मिला तभी तो वो जिंदा रहेगा, अब जिंदा रह गया तो उसमें वेरिएशन आया, वेरिएशन आया तो वो क्या रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया, तो कौन रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, जो जिंदा रहा वही ना करेगा रिप्रोडक्शन, कि जो मर गया वो करेगा, जो जिंदा रहा वो रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया, तो उसको रिप्रोडक्टिव फिट बोल दिए हम लोग, और उसको नेचर क्या किया, सेलेक्ट कर लिया, नेचर तो वही सेलेक्ट कर लिया था जिस समय तुम्हारा लड़ाई करके जो खाना खा लिया था, आज जिसको खाना नहीं मिला वो तो वही मर गया था, तो नेचर तो वही सेलेक्ट कर लिया कि जो स्ट्रगल में जीत गया, अब जीतेगा कौन, जो थोड़ा स्ट्रांग होगा, सारे पॉपुलेशन में जो स्ट्रांग होगा वही ना जीतेगा, तो वहीं से तो नेचर सेलेक्ट करना शुरू कर दिया तुमको, अब तुम रिप्रोडक्टिव आगे जाके फिट नहीं हुए तो क्या करेगा नेचर, ठीक है, अब उसका गलती नहीं है, तुम है ना रिप्रोडक्टिव फिट, ठीक है, तुम बताना हमको स्पेशली, होगा टेंशन मत लो, चलो देखो, तो डार्विनिज्म जो था बाबू, इसका दो तीन बात हम लोग एक जगह कैलकुलेट करते हैं, कंक्लूड करते हैं बात को, सबसे पहला तो बोला था कि ये जो म्यूटेशन होता है इंडिविजुअल में स्लो होता है एंड ग्रेजुअल होता है, कैसा होता है, स्लो एंड ग्रेजुअल, अगर वेरिएशन का बात करें तो वो तुम्हारा स्मॉल होता है, स्लो होता है, ठीक है, दो की फीचर था इसका, क्या फीचर था, दो की बताओ, पहला था तुम्हारा ब्रांचिंग, कल बताए थे ना डिसेंट ना, ब्रांचिंग डिसेंट, और दूसरा क्या था बाबू, नेचुरल सेलेक्शन, ये भी ग्रेजुअल भी होता है,
एक जगह पे ऐसे कंक्लूड कर लो डार्विनिज्म को। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं ना। अब इसके बाद एक थ्योरी लिखो तुम लोग, लास्ट थ्योरी हमारा म्यूटेशन या फिर साल्टेशन थ्योरी। ठीक है बाबू, इसको कौन दिया था? ह्यूगो डी वेरिस। ठीक है, देखो एक क्लास थ्योरी, ठीक है, जो डार्विन के अगेंस्ट में आया, ठीक है, डार्विन का जस्ट अगेंस्ट बात किया, उससे डार्विन का थ्योरी जो है सहा नहीं जा रहा था, है ना, बोला इतना कुछ बता दिया और लोग मान भी लिया, तो ये क्या किया कि नहीं हम इसे एक ऑपोजिट थ्योरी देंगे। पहले लड़ाई बहुत होता था साइंटिस्ट के बीच में ना, तो वो सोचा कि उसके जस्ट ऑपोजिट बताएंगे हम दुनिया को जो डार्विन बताया है। तो वो एक थ्योरी लेके आया, उसका नाम था तुम्हारा बाबू कौन सा थ्योरी? म्यूटेशन थ्योरी ना। म्यूटेशन थ्योरी, इस म्यूटेशन थ्योरी का एक और नाम है साल्टेशन थ्योरी। साल्टेशन वर्ड का मतलब होता है कि सडन म्यूटेशन, सडन चेंज, ठीक है, इन तुम्हारा जीन। सडन म्यूटेशन अगर कहीं पे होता है, जैसे कि हम लोग क्या पढ़े थे, सालों साल तक म्यूटेशन धीरे धीरे होते जाता है ना, और होने के बाद हम लोग क्या है कि पहले जो थे वो पोरीफेरा थे, उसके बाद उसे म्यूटेशन होने लगा, वेरिएशन आते आते क्या बने हम लोग? मैमल्स बने। बहुत टाइम लग गया ना, पहले कितना, 500 साल पहले, उसके बाद मिलियन के बाद, अभी हम लोग आज से 4 मिलियन ईयर अगो आया था तुम्हारा प्रोटिस्टा वो लोग ना, तो उससे अगर बात करो तो कितना टाइम लग गया। इसका मतलब कि म्यूटेशन क्या हो रहा होगा, बहुत स्लो हो रहा होगा। ऐसा हुआ था क्या कि पॉरीफेरा आया अचानक से उसमें म्यूटेशन होके मैमल्स बन गया? नहीं ना, उसके बीच का सीक्वेंस देखो कि पहले सिलेंट्रेटा बना था, फिर टीनोफोरा बना था, फिर प्लेटी हेलमेंथिस बना था, फिर एस्क हेलमेंथिस बना था, फिर हेमिकोडाटा आया था, ठीक है, उसके बाद कोडेटा आया। तो यानी कि ये बहुत सीक्वेंस प्रोसेस है एक तुम्हारा। तो ये जो अंकल आए थे वो म्यूटेशन थ्योरी लेकर के क्या बोले, ये किस पे किए थे? सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किए थे, ये बहुत बार पूछा गया आज तक नीट में, ये जो किए थे वो इवनिंग प्राइमरोज पे किए थे, ठीक है, ऑनथेरा लेमार्कियाना इसका नाम था, ठीक है, इसका नाम याद रखना जरूर किसी भी हाल में, कि इवनिंग प्राइमरोज पे किए थे तुम्हारा, उसको उस पे स्टडी करके ये बताए थे, कौन सा थ्योरी दिए थे? म्यूटेशन थ्योरी। और इसका एक अलग नाम लिख लेना तुम्हारा, साल्टेशन थ्योरी। एंड बिलीव दैट इवोल्यूशन टेक्स प्लेस थ्रू द म्यूटेशन एंड नॉट बाय माइनर वेरिएशन। इनका ये कहना था कि जो इवोल्यूशन हुआ है वो ओनली किसके थ्रू हुआ है? ओनली, इनका कहना ना कि ओनली म्यूटेशन के थ्रू हुआ है, किसी भी तरह का कोई वेरिएशन नहीं आया है। जबकि हम लोग को पता है कि धीरे धीरे वेरिएशन आना शुरू हुआ ना, पहले हम लोग का क्या था कि सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल बना, ठीक है, तो पहले क्या आया था, डाइजेस्टिव सिस्टम आया, फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम आया, है ना सबका, फिर क्या हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम आने लगा धीरे धीरे, सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम आने लगा, तो ये वेरिएशन आ रहा है ना धीरे धीरे। देखते होगे जब तुम लोग एनिमल किंगडम पढ़ते होगे तो उसमें देखे होगे कि सबसे पहले लास्ट में तुम लोग का दिया हुआ है ए ए ए, ठीक है, सबसे पहले किससे तुम्हारा, एस्क हेलमेंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, इससे तुम्हारा क्या स्टार्ट हुआ था, तो डाइजेस्टिव, यहां से रेस्पिरेटरी और यहां से सर्कुलेटरी, इस तरह से तुम्हारा याद रखने का ट्रिक था उसमें, यानी कि पहले डाइजेस्टिव आया, रेस्पिरेटरी आया, फिर सर्कुलेटरी आया, इस तरह से, है ना, तुम्हारा 11th के एनसीईआरटी में दिया हुआ था, उसमें बहुत सारा ट्रिक था जब एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो तुम्हारा क्या हुआ, वेरिएशन धीरे धीरे आया, तब जा करके हम लोग इतना आदमी बन पाए हैं,
लेकिन इनका कहना था ये अंकल जी का कि केवल केवल किसके थ्रू हुए हैं, म्यूटेशन के थ्रू, किसी भी तरह का वेरिएशन नहीं हुआ, किसी भी तरह का माइनर वेरिएशन नहीं आया है, ठीक है। और ये माइनर वेरिएशन कौन बोला था, डार्विन बोला था कि हमारा जो होता है माइनर वेरिएशन, धीरे धीरे छोटा छोटा वेरिएशन आते जाता है, तब जाकर के एग्लो हम लोग अभी पहुंच पाए ह्यूमन में, छोटा छोटा वेरिएशन है ना, धीरे धीरे। अभी क्या हुआ, कोई आदमी ऐसा दिख रहा है तुमको कि अचानक से चेंज हो गया है? इतना सालों से हम लोग देख रहे हैं, जब से जन्म लिए हैं तब से आदमी जो हम लोग के आसपास है, जितने लोग हैं सब एक ही तरह के दिख रहे हैं, सबका नेचर लगभग एक ही तरह से होता है, यानी कि अंदर थोड़ा थोड़ा वेरिएशन चल रहा होगा ना, तभी तो अभी तक हम लोग आदमी हैं। एक दिन आएगा कि जॉम्बी वगैरह बन जाएंगे, ठीक है, अब वो बहुत टाइम लगेगा जॉम्बी बनने में, बहुत ज़्यादा। अभी वो हिरन वगैरह में आ रहा है, अभी कुछ कुछ लोग जो हो रहता है ना, जो डियर वगैरह जो होता है तुम्हारा, हिरन, वो सब में देखा गया है कि जॉम्बी वाला कैरेक्टर आ रहा है तुम्हारा, ठीक है। जॉम्बी समझते हो तुम लोग, राक्षस जैसा थोड़ा सा बिहेव करने लगना, ठीक है, समझ रहे हो, पागलों जैसा, हाँ, जिंदा लाश एक तरह से पूरा, ना मरने मरेगा और ना कुछ होगा, और एकदम पागल जैसा करेगा उसका दिमाग, किसी को भी मार के खा जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं जॉम्बी। अभी उसका एक वो आया था ना तुम्हारा उसमें, अरे कौन सा गेम है, पबजी, पबजी में दिखाया है तुम्हारा जॉम्बी के बारे में, इसके पहले वाला जो आया था तुम्हारा मैप उसमें था। तो देखो इवनिंग प्राइमोस का फोटो देखो, ये होता है, इसको देखे हो कहीं, हमको तो नहीं लग रहा हम कहीं दे, अच्छा होता है, देखते हो कांटा होता है उसमें, छोटा छोटा फूल फैला होता है, जिसका पत्ता कांटा कांटा होता है उसमें छोटा छोटा ये फूल फैला होता है, येलो येलो सा, वही है तुम्हारा, ठीक है। इसमें देखो ये बोला क्या, सबसे पहले म्यूटेशन क्रिएट हुआ तुम्हारा, ठीक है, एंड वेरिएशन, इसमें बोला कि म्यूटेशन क्रिएट होता है तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, अनफेवरेबल म्यूटेशन सेलेक्टेड अगेंस्ट, ठीक है, तुम्हारा एक जो अनफेवरेबल म्यूटेशन के लिए था वो वही मर गया, जिसमें म्यूटेशन हुआ वही बच पाया, इसका ये कहना था। उसके बाद क्या हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, और साथ में क्या हुआ तुम्हारा, म्यूटेशन हुआ। उसके बाद फेवरेबल म्यूटेशन मोर लाइकली टू सर्वाइव, अब जिसमें फेवरेबल म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन भी बहुत तरह का होता है ना, एक खराब म्यूटेशन होता है और एक अच्छा म्यूटेशन होता है। एक म्यूटेशन होगा कि तुमको कैंसर करवा देगा, ठीक है, जो तुम्हारा क्या हुआ, जापान में जो हिरोशिमा नागासाकी जो भी तुम्हारा बम गिराया गया था, उसे स्किन में म्यूटेशन हो गया वहां पे, जो कि अभी भी बच्चा जब वहां पैदा लेता है तो विकलांग होता है, कैसा होता है, विकलांग पैदा लेता है, क्योंकि उसका जो है म्यूटेशन हो गया है डीएनए में, तो वो एक खराब म्यूटेशन है। तो यही कह रहा है ये कि अगर म्यूटेशन जिसमें जिसमें जो म्यूटेशन नहीं किया वो तो मर गया, ये कहना है इसका, और जो म्यूटेशन किया वो रिप्रोडक्शन किया, उसमें भी क्या हुआ, जो म्यूटेशन अच्छा हुआ, जो खराब हुआ वो गया, फिर उसमें जिसका म्यूटेशन अच्छा किया वो क्या किया, इसमें सर्वाइव कर गया, और सर्वाइव कर गया तो रिप्रोड्यूस करेगा आगे, समझे। और वहां क्या बोला था वो डार्विन अंकल, क्या बोले थे कि सबसे पहले क्या होगा तुम्हारा, स्ट्रगल करेगा खाना के लिए, उसमें जो जीत जाएगा स्ट्रगल करके, उसमें माइनर वेरिएशन आना शुरू होगा, और जब वेरिएशन आना शुरू होगा तो वो अडेप्ट करेगा, और अडेप्ट करने के बाद सर्वाइवल ऑफ द फीटेस्ट, रिप्रोडक्टिव फीट होगा, और रिप्रोडक्टिव फीट होने के बाद क्या होगा तुम्हारा, उसको नेचर सेलेक्ट कर लेगा, ये उनका कहना था। और ये केवल केवल म्यूटेशन का बात कर रहे हैं कि म्यूटेशन खराब नहीं कर पाया वो गया, और म्यूटेशन जो कर पाया वो जिंदा रहा, उसमें भी जो अच्छा म्यूटेशन कर पाया वो जिंदा रहा आगे, और लास्ट अल्टीमेट गोल क्या है सबका, क्या अल्टीमेट गोल सुरेंद्र, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है, रिप्रोडक्शन करना है अल्टीमेट गोल, आगे देखते हैं हम लोग। तो देखो यहां डिफरेंस बताया है कि जो डार्विन का वेरिएशन था वो कैसा था बाबू तुम्हारा, माइनर था ना, छोटा छोटा, कैसा था, माइनर था, और कैसा था, स्लो था,
और कैसा था? डायरेक्शनल था, एक डायरेक्शन में जाता है कि नहीं पॉरीफेरा से हमको सिलेंट्रेटा ही बनना है, ये नहीं कि पीछे चले गए बैक्टीरिया बनने के लिए। समझ रहे हो? हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, एडवांस बन रहे हैं। पहले लोग क्या होता था, उतना ज्यादा दिमाग नहीं था लोगों के पास ना, राजा उजा देखते थे, गुलाम रहता था सब। हम लोग भी कितना दिन ब्रिटिश का गुलाम रहे क्योंकि उतना दिमाग नहीं था हम लोग के पास। धीरे धीरे अभी कितना एडवांस हो गया, लोग चांद पे कहां कहां नहीं पहुंच गया। तो क्या हुआ, एक वेरिएशन जो हो रहा है एक डायरेक्शन में हो रहा है। वो ऐसा होता है क्या कि जो पढ़ लिख के और पगला बन गया, जितना पढ़ रहा उतना पगला बनते जा रहा है, ऐसा हुआ है क्या? बहुत रेयर केस है कि बहुत ज्यादा पढ़ लिया, ठीक है, वो लोग बहुत एक्सेप्शन लोग है कि बहुत ज्यादा पढ़ लिया वो पगला बन गया, ठीक है। और कैसा होता है तुम्हारा ग्रेजुअल इवोल्यूशन, कैसा? ग्रेजुअल मतलब एक सीढ़ी ब सीढ़ी, कि पहले पॉरीफेरा से सिलेंट्रेटा बनेंगे, फिर उसके बाद टीनोफोरा बनेंगे। ये नहीं कि सीधा पॉरीफेरा से जंप मार देंगे आर्थ्रोपोडा में और फिर आर्थ्रोपोडा से जंप मार के मैमल्स, ऐसा नहीं। कैसा? एक ग्रेजुअल, कि एक सीढ़ी सीढ़ी ऐसे धीरे 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 हुआ है हम लोग का, है ना। तो कैसा हुआ है? ग्रेजुअल है, जो कौन बताए थे? डार्विन बताए थे। लेकिन म्यूटेशनल वेरिएशन क्या बोलता है, यानी कि ह्यूगो डी वरिस जो थे तुम्हारे, जो तुम्हारे साइंटिस्ट, क्या बोले थे? म्यूटेशन वेरिएशन कैसा होता है? सडन होता है। कैसा होता है? मतलब पढ़ के पगला भी बन सकता है, ठीक है। और कैसा होता है? डायरेक्शन लेस, समझे? कहीं भी पढ़ के आगे आना चाहिए, पीछे भी जा रहा है, ठीक है। तुम्हारा बनना चाहिए आर्थ्रोपोडा से मैमल्स, तो बन जा रहा है पॉरीफेरा, समझे? कैसा था इसका? डायरेक्शन लेस। हेयर स्पीसिएशन इज बाय द साल्टेशन। साल्टेशन का मतलब होता है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। इस वर्ड को हम लोग साल्टेशन बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। और इसीलिए इसका नाम ज्यादा, म्यूटेशन इज द ओरिजिन वेरिएशन ऑफ इवोल्यूशन। ये बोले थे कौन? ये अंकल, ह्यूगो डी वरिस अंकल, ठीक है। ये समझ आया? चलो यहां से लिखो, तुम तो पहले ही लिखना पढ़ाए जा रहे, तुम लिखे जा रहे। समझ में आया साइंटिस्ट क्या बोला? डार्विन का जस्ट उल्टा है ना, बस उससे ये ध्यान रखना कि डार्विन का अगेंस्ट में कौन आया था, तो कौन आया था? ह्यूगो डी वरिस। इसके बाद हम लोग का बच रहा है एक हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तुम्हारा ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, आदमी चिंपांजी से आदमी कैसे बने हम लोग। इधर एक बार तुम लोग एनसीईआरटी रीड करके देखना। पढ़ाए थे उस दिन, कहाँ था बाबू? नहीं समझ आया था, बता दूंगा। होमोलोगस है ना, लोगस तो कॉमन है। देखो होमोलोगस, होमो का मतलब सेम, लोगस का मतलब ओरिजिन, ठीक है। मतलब ओरिजिन कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब कि तुम एक बल्ब है, तुमसे रेडिएट होकर के दूसरा कुछ कुछ बना, ठीक है। मतलब ओरिजिन तो सेम था बल्ब का, लेकिन लाइट कहीं हर जगह पे गया तुम्हारा, तुम्हारा पर्दा पे भी गया, ठीक है, दीवार पे भी गया, मतलब कि सब अलग अलग एपीरियंस हो गया, ठीक है। अलग अलग दिखेगा सब, कोई पर्दा दिखेगा तुमको, वॉल दिखेगा, है ना। तो तुम्हारा क्या हुआ? ओरिजिन, ओरिजिन सेम होना चाहिए, लेकिन उसका जो फंक्शन है और एपीरियंस है वो कैसा होना चाहिए? अलग अलग। जैसे याद करो कि तुम्हारा हाथ, हम लोग का हाथ और एक घोड़ा का आगे का पैर जो होता है ना दो, वो दोनों सेम चीज से बना है। किससे? तुम्हारा आर्म, फोर आर्म, कार्पेल, मेटा कार्पेल, फाइलिंजियस, डिजिट्स जो तुम्हारे हैं ना, इसी से बना हुआ उसका सेम। लेकिन उसका पैर देखो दौड़ने में काम आता है। तुम हाथ से दौड़ते हो क्या नीचे रख के? नहीं ना। अब हम लोग का देखो, हम लोग का जो है, और एक तुम्हारा जो चीता का भी ले लो, उन लोग का भी, या तो फिर बैट जो तुम्हारा रहता है, क्या बोलते हैं उसको, चमगादड़, उसका भी फोर लिम का मॉडिफिकेशन है। जो तुम्हारा मॉडिफिकेशन है ना, जिस चीज से हाथ बना है, सेम बोन का उन लोग का भी बना हुआ है। हाँ, तो तुमको बताए थे बर्ड और बैट, इंसेक्ट और बैट बताए थे, समझा। तो बर्ड और बैट क्या हो गया? होमोलोगस हो गया, समझ रहे हो।
बर्ड और बैट क्या है तुम्हारा? होमोलोगस है, दोनों का दोनों जो है ओरिजिन क्या है? सेम है, फोर लीम। अब तुम बोलोगे कि दोनों उड़ता है सर, तो जो तुम्हारा होता है ना बैट, हम तुमको उस दिन बताए थे कि केवल उड़ने में उसको हेल्प नहीं करता है, उसको लटकने में। कभी भी तुम चमगादड़ को देखोगे तो जो तुम्हारा पेड़ पे कभी देखना जाकर के झील पे कभी, तो वो अपना उल्टा लटका रहता है किसके बल पे? वो जो पंख होता है ना उसका, उसके बल पे लटका रहता है। तो उसको क्या कर रहा है? क्लाइंबिंग में हेल्प कर रहा है तुम्हारे, लटकने में उसको हेल्प कर रहा है। हाँ, तो एक थोड़ा बहुत तो सिमिलरिटी कभी कभी मिल सकता है। तो उसमें एनसीईआरटी कभी कभी लिखता है मे और मे नॉट बी फंक्शन सेम, समझ रहे हो? लेकिन ओरिजिन हमेशा सेम होना चाहिए। अगर ओरिजिन सेम हो गया, ठीक है, और एक भी फंक्शन तुम्हारा अलग है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? होमोलोगस ऑर्गन। एक भी फंक्शन अगर अलग है तुम्हारा उससे, तो एक फंक्शन तो अलग हो गया। कभी चिड़िया को देखो कि अपना पंख से लटक रहा है कहीं, देखो कहीं क्या कोई चिड़िया, कबूतर है, कौआ है, जो भी है, ये सब कभी देखो कि अपना पंख से लटक रहा है पेड़ पे? नहीं। लेकिन बैट को हमेशा देखोगे किससे लटकता है? पंख से लटकता है, तो उसको लटकने में हेल्प कर रहा है। तो एक अलग हुआ फंक्शन बैट में और तुम्हारा इसमें बर्ड में। तो इस बेसिस पे हम लोग उसको क्या बोल दिए कि होमोलोगस ऑर्गन है, समझे? लेकिन एक इंसेक्ट का बात करो, इंसेक्ट मतलब कि तितली वगैरह, ठीक है, उल्लू का जो पंख होता है वो दूसरे चीज से बना होता है, उसका एक्सोस्केलेटन जो बाहर होता है ना उसका मॉडिफिकेशन होता है वो, लेकिन हम लोग का फोरलिम का मॉडिफिकेशन है ये, है ना तुम्हारा ये। तो क्या हुआ तुम्हारा कि उसका ओरिजिन और तुम्हारा ओरिजिन अलग है। देखो ओरिजिन, देखो पकड़ना कैसे है, अगर तुम बहुत, अगर तुमको कंफ्यूजन कोई कर दिया, तुमको एनिमल किंगडम याद होना चाहिए। जो तुम्हारा कोडेटा होता है और नॉन कोडेटा, जैसे कि कोडेटा में एवीज आता है हमारा, मतलब क्या पंछी, और हम लोग आते हैं ह्यूमन, तो दोनों कोडेटा हैं, मतलब ओरिजिन दोनों का सेम होगा। और जो तितली होती है वो नॉन कोडेट है, क्योंकि वो आर्थ्रोपोडा में आती है, ठीक है। तो नॉन कोडेट और कोडेट का हमेशा ओरिजिन कभी भी सेम नहीं हो सकता है, समझा? तो तितली का ओरिजिन अलग है और हमारा पक्षी का ओरिजिन अलग है तुम्हारा। तो ओरिजिन दोनों का अलग हो गया, लेकिन दोनों का पंख किस में हेल्प करता है? उड़ने में। पक्षी भी उड़ती है और तितली भी पंख से उड़ती है, तो दोनों का फंक्शन क्या हो गया? सेम हो गया, लेकिन ओरिजिन सेम नहीं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एनालोगस ऑर्गन, समझे? एना मतलब डिफरेंट हो गया, है ना, लोगस का मतलब ओरिजिन, मतलब कि अलग ओरिजिन होगा। अरे लिख लिए ये, अरे इसको स्क्रॉल नहीं किए तुम लोग क्या? डायग्राम, हाँ ये वाला बनाओ ना डायग्राम, ये तो बनाना है। इसमें नहीं बनाए तुम लोग डायग्राम? वाह, बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, हम उधर बता रहे हैं। तो जूम कहां से होगा बाबू? देखो, देख लो यहां लिखा क्या हुआ है, म्यूटेशन क्रिएट्स वेरिएशन, ठीक है। एक काम करते हैं, उसके बगल में लिख देते हैं। देखो यहां भी लिखा हुआ है म्यूटेशन क्रिएट्स वेरिएशन, ये लिखा हुआ है तुम्हारा अनफेवरेबल म्यूटेशन सेलेक्टेड अगेंस्ट। ये लिखा हुआ है तुम्हारा रिप्रोडक्शन एंड म्यूटेशन। ये लिखा हुआ है फेवरेबल म्यूटेशन मोर लाइकली टू सर्वाइव, मोर लाइकली टू सर्वाइव, ठीक है। और यहां लास्ट में रिप्रोडक्शन लिखा हुआ है एंड रिप्रोड्यूस, ठीक है। अब दिख रहा है, चलो लिखो जल्दी। एनसीईआरटी से पढ़ना, सारा का सारा मिल जाएगा जितना आप पढ़ाए हैं, ठीक है। उसमें जो एक दो छूट रहा है उसको हम कंपनसेट करेंगे, इसके बाद बताएंगे, बाकी सारा का सारा लाइन मिल जाएगा तुमको। हो गया, चलो इसको लिखो,
ये फोटो कोई नहीं बनाने लगना बैठ के, ठीक है, कि बैठ के कारीगरी कर रहे हैं सर, ये छोटा छोटा बना रहे हैं सब अलग अलग कलर से। जो फोटो को बनाने बोलते उसी को बनाना, अपने मन से नहीं, पूरा छाप देना है। पता चला ये अंकल को कोई छाप दिया बगल में कि सर आप वो तो वहाँ लगाए थे स्लाइड में, हमको लगा सब कुछ देखना है, अंकल को छाप दिया पूरा एकदम बंदर जैसा। क्या बोल रहा है, हमको भी छाप देगा? सोलो 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 हुआ बच्चा लोग। चलो डार्विन वाला कौन बताएगा सीक्वेंस में, किसको याद हुआ? जल्दी से एक कुछ सेकंड के लिए देखो, उसके बाद हम किसी से रैंडमली पूछेंगे, सीक्वेंस बताना उसका थ्योरी का। हाँ, सबसे फर्स्ट जा आ करके हम जो लिखवाए थे वो सीक्वेंस जो डार्विनिज्म का है, वो बहुत जरूरी है याद रखना। यही चीज हम अगर एग्जाम में पूछोगे तो ये भी नहीं लिख पाओगे तुम लोग, जैसे ट्रांसलेशन का स्टेप नहीं लिख पाए तुम लोग। हम डार्विनिज्म थ्योरी दे देंगे, बस ये दो तीन लाइन तुमसे लिखा नहीं जाएगा तुम लोग से। हाँ, अगर डार्विनिज्म याद हो जाता है तो तुमको ये थ्योरी अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका जस्ट उल्टा बोलना है ना, और केवल इसमें म्यूटेशन को ध्यान रखना है बस। वहां पे जहां पे वो स्ट्रगल बोला वहां पे क्या बोलना है, म्यूटेशन बोलना है ना। तो अगर वो थ्योरी याद हो गया तो ये खुद याद हो जाएगा तुम्हारा, जस्ट अपोजिट करना। यहां माइनर था तो ये सडन, ये स्लो था तुम्हारा ना, ये तुम्हारा डायरेक्शन था, ये तुम्हारा डायरेक्शन लेस था, ये तुम्हारा ग्रेजुअल होता है, ये रैंडम होता है, ठीक है, कहीं भी वो स्लो है, ये सडन है, जस्ट उसका अपोजिट है ये थ्योरी। चलो याद हुआ, चलो लास्ट बेंच, चलो बोलो, पहले कॉपी बंद करो, ठीक है, बोलो। नहीं, शुरू से बताना है, फर्स्ट लाइन से। हम फर्स्ट लाइन यही लिखाए थे क्या, वेरिएशन डायरेक्ट लिखाए थे क्या, बोलो। चलो तुमको जहां से याद है वहां से बोलो, छोड़ दो पहला लाइन। चलो क्या समझी बाबू, थोड़ा सा भी बता दो तुम, डार्विन के बारे में क्या समझी तुम? अभी इतना देर, कल से आज तक डार्विन चला है ना, तो इतना देर में तुमको डार्विन का क्या समझ आया? इंट्रा स्पीसीज ही बता दो। देखो मार्क्स उस पे भी देते हैं कि कोई वर्ड को एक्सप्लेन कर दिया जिसे वो भी इंट्रा स्पीसीज बोली स्पीसीज, तो इंट्रा स्पीसीज ही तुम क्या करो, एक्सप्लेन कर दो। अब इवोल्यूशन सिर्फ दो दिन का बचा है, ठीक है, एक दिन में हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम थोड़ा बहुत बचेगा वो, उसके बाद एक दिन मैन का इवोल्यूशन बताएंगे, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम टेस्ट लेंगे दोनों को मिला करके, एक पिछला चैप्टर जो हम पढ़ाए हैं, ठीक है, हाँ, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इसका इवोल्यूशन का, दोनों मिला करके केवल ऑब्जेक्टिव लेंगे, ठीक है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ किसका बाबू, पॉपुलेशन का, किसका, आगे बोलो, किसका, फूड रिसोर्सेस का, ठीक है। उसके बाद सर्वाइवल ऑफ एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, अच्छा उसके बाद बताओ। दो तरह का होता है, एक होता है इंटर, एक होता है, ठीक है, दोनों में बताओ डिफरेंस। इंट्रा का मतलब कॉम्पिटिशन बिटवीन सेप, इंटर का मतलब टू डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। उसके बाद बताओ बाबू, चलो स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस हो गया, वेरिएशन, उसके बाद क्या आएगा, एडेप्टेशन, उसके बाद क्या, सर्वाइवल ऑफ, यही है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब उसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब कैसा फीड, रिप्रोडक्टिव फीड। उसके बाद क्या करेगा, नेचर तुमको सेलेक्ट कर लेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल सेलेक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ, उसको क्या बोलते हैं एक वर्ड में, स्पीसिएशन, क्या, स्पीसिएशन बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसी। चलो पीछे से वो किनारे वाला लड़का, आर्थमेटिक रिसोर्स, आर्थमेटिक ग्रोथ होता है बाबू, हाँ, किसका, रिसोर्स का, चलो ठीक है, फूड का, रिसोर्स का, आगे बताओ, ठीक है। उसके बाद स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस होगा, उसका टाइप बताओ, हाँ, इंट्रा का मतलब, हाँ,
उसमें फूड सेम होगा या कॉमन होगा या फिर डिफरेंट होगा फॉर डिफरेंट स्पीसीज। चलो ठीक है, आगे बताओ, इंटर स्पीसीज बताओ। ठीक है, कंपटीशन बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, आगे बताओ। इसके बाद वेरिएशन होगा, ठीक है, वेरिएशन हुआ, एडेप्शन नहीं एडेप्टेशन, क्या हुआ एडेप्टेशन हुआ। उसके बाद सर्वाइवल ऑफ द, वाह दो लाइन को मिलकर घुसा में एक ही में घुसा दो तुम, सर्वाइवल ऑफ एग्जिस्टेंस, तो वहां स्ट्रगल ऑफ फिटेस्ट लिख देते हैं। हाँ, उसका मतलब क्या हुआ, कैसा फिट तुम, रिप्रोडक्टिव फिट। आगे बोलो, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हो गया, उसके बाद क्या करेगा नेचर तुमको, क्या करेगा सेलेक्ट करेगा, उसको क्या बोलते हम लोग नेचुरल सेलेक्शन। उसके बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, उसका नाम क्या बोलते हम लोग स्पीसिएशन, क्या जल्दी से दोहराओ। हाँ ठीक है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ज्योमेट्रिक ग्रोथ का मतलब पता है क्या होता है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ का मतलब, अरे कैसा ग्रोथ होगा एग्जाम्पल बताओ ना, एग्जाम्पल लिखे थे हम वहां, ज्योमेट्रिक ग्रोथ मतलब 1 2 3 4, ज्योमेट्रिक ग्रोथ मतलब होता है 2 to the power n, वहां 1 2 3 डालते जाओ, 2 की पावर 1 कितना आया 2, 2 की पावर 2 कितना हुआ 4, फिर 2 का पावर 3 डालो कितना होगा 6 होगा, मारेंगे था 8 होगा। ठीक है, तो ऐसे 2 का 4 4 का 8 मतलब डबल होते जाता है। अब अगला बताओ, उसके बाद रिसोर्स का कैसा होगा, अर्थमेटिक होगा, वो होगा 1 2 3 4, ठीक है ऐसे बढ़ रहा है। आगे बताओ जल्दी, उसको क्या बोलते हैं, उस दोनों को मिला करके क्या बोल रहे हैं हम लोग, कौन सा तुम हेडिंग क्या बताएगा पहले, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, उसके बाद बताओ आगे, छोड़ो इंटर इंटर छोड़ो, आगे बताओ। ठीक है, वेरिएशन हुआ, उसके बाद एडेप्टेशन हुआ, उसके बाद सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हाँ रिप्रोडक्टिव फिट, आगे बताओ। चलो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसके बाद सेलेक्शन बाय नेचर, कल दोनों का दोनों डार्विनिज्म एंड ह्यूगो डी ब्रिस का जो तुम्हारा प्रिंसिपल है, ठीक है, या म्यूटेशन का थ्योरी जो है, दोनों सब याद होना चाहिए सबको, किसी को भी हम यहाँ बुला के पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। 2 दिन का और क्लास बचा है, 1 दिन हम लोग हार्टी विनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ेंगे और 1 दिन इवोल्यूशन उसका आदमी का, ठीक है, मैन का इवोल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे, बस 1 दिन, एक एक दिन में दोनों खत्म हो जाएगा, 1 दिन रिविजन क्लास रहेगा, ठीक है, जिसमें किसी को भी कोई भी कहीं प्रॉब्लम हो इवोल्यूशन शुरू से लेकर के अभी तक, ठीक है, तो वो पूछ सकता है ना। थोड़ा सा उसमें क्या करेंगे हम लोग, ईरा बता देंगे, ठीक है, ईरा जो तुम लोग लिखा हुआ है तुम्हारा, जैसे परमिनियन क्या होता है, ठीक है, देखो इसमें लिखा हुआ है ईरा, तुम लोग को थोड़ा सा जानना है, उतना खास कभी आज तक पूछा नहीं है। देखो बोला पैलियोजोइक मेजोजोइक सीनोजोइक क्या होता है, क्वार्टरनरी टर्सरी क्रिटेशियस जुरासिक ट्राइसिक परमिनियन कार्बिनिफेरस डेवोनियन सिलूरियन, ये सब क्या है तुम्हारा, ये है, ठीक है, इसका बस ये ध्यान रखना होता है कि कौन कब आया था। टर्सरी क्वार्टरनरी में अभी तुम्हारा रिसेंट वाला सारा प्लांट आया है, तुम्हारा जुरासिक में कौन था, जुरासिक पार्क मूवी बना है ना, क्योंकि उस समय डायनासोर पूरा डोमिनेंट था, ठीक है, इसीलिए उस देखो जुरासिक में तुम्हारा डायनासोर वगैरह सब आएगा मैक्सिमम लोग, ठीक है, ट्रासिक आएगा, फिर तुम्हारा परमिनियन आएगा, ये तुम्हारा एनिमल है, इधर तुम्हारा प्लांट है, तो बस इसमें यह जानना है कि कौन से ईरा में कौन आया था, ठीक है, बस ये जानना है, तो ये हम लोग रिवीजन क्लास में देख लेंगे थोड़ा सा, है ना, और ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस नहीं है उतना, बस खाली एक सीक्वेंस भी याद रखना, पूछता है कभी कभी ये सीक्वेंस, सिलूरियन डेवोनियन कार्बोनिफेरस परमिनियन ट्रायसिक जुरासिक क्रिटेशियस क्वार्टरनरी, ये भी सीक्वेंस तुम लोग को याद करना है ऐसे, और इसमें भी इसी तरह से है तुम्हारा कार्बोनिफेरस परमिनियन ट्रायसिक जुरासिक क्रिटेशियस टर्सरी क्वार्टरनरी, ठीक है, सबसे पहले पैलियोजोइक आता है, उसके बाद मेजोजोइक और लास्ट में तुम्हारा सीनोजोइक, है ना, कौन इवोल्यूशन, मैंने पहले कौन आया फिर बाद में कौन आया, ये दोनों सीक्वेंस दोनों वाला याद रखना है, ठीक है, तो ये हम बता देंगे एक बार, बस तुम लोग सीक्वेंस याद कर लेना उस टाइम पे, है ना, और ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इसका। चलो ठीक है, थैंक यू।